नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जसीडीह स्टेशन में एयरपोर्ट जैसे मिलेगी सुविधा। पूर्व रेलवे के जीएम अरुण अरोड़ा ने रविवार को देवघर स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने एक नंबर प्लेटफॉर्म का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि देवघर और जसीडीह स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। स्टेशनों की सफाई को लेकर हर बार टेंडर कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए DRM को निर्देश दिए, जिसके बाद एक्सटेंशन कर चलाते रहने को कहा गया ताकि स्टेशन पर साफ सफाई होती रहे। जीएम अरुण अरोड़ा ने कहा कि देवघर स्टेशन पर बन रही वॉशिंग पिट को अगले साल मार्च अप्रैल में पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। देवघर स्टेशन के बाहर काफी बड़ी जमीन है, इसे डेवलप कर यात्रियों को बैठने एवं ठहरने की व्यवस्था करें ताकि यात्री आए तो लगे कि वे देवघर स्टेशन पर है। यहाँ बाबा वैद्यनाथ की झलकियाँ उन्हें नजर आए। उन्होंने कहा कि रेलवे की ओर से 1386 करोड़ की लागत से गोड्डा पीरपैंती रेलवे लाइन का निर्माण करा रहे हैं, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस रूट पर स्टेशन बनने के बाद वेंडर आएंगे और पार्किंग की सुविधा होगी, इससे स्थानीय लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। जीएम ने कहा कि वर्तमान में पूर्व रेलवे 100 रुपये कमाने के लिए 140 से 160 रुपये खर्च कर रहा है, इसे हमें कंट्रोल कर 80 रुपये तक लाने की जरूरत है। ऐसे में रेलवे विभिन्न प्रकार के कार्य को आउटसोर्सिंग कर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे की आय का 68% रेलवे स्टाफ के खर्च में चला जाता है। इसमें यदि पेंशन को जोड़ दिया जाए तो यह बढ़कर 80% हो जाता है। ऐसे में इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके लिए टेक्निकल मैन पावर को कम करना होगा ताकि रेलवे की आय में बढ़ोतरी हो सके। रेलवे की ओर से स्टेशनों को सुविधा बढ़ाने को लेकर 300 करोड़ की लागत से डिवीजन अंतर्गत कई स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। आने वाले दिनों में आसनसोल और जसीडीह स्टेशन एयरपोर्ट जैसा दिखेगी और यात्रियों को एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी, साथ ही अन्य स्टेशनों पर विकास कार्य किए जाएंगे। मोराबादी के चिल्ड्रन पार्क में लगेगा न्यू ईयर का मेला, लाइव म्यूजिक के बीच करें 2023 का स्वागत। ACE ग्रुप की ओर से मोराबादी के चिल्ड्रन पार्क में न्यू ईयर मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला अपने आप में सबसे अलग होगा। इस मेले का आयोजन नए साल के स्वागत को लेकर किया जा रहा है। यह मेला 12 दिन का होगा। मेले में कई तरह के कार्यक्रम होंगे, इसके साथ ही लाइव कंसर्ट भी आयोजित किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि मोराबादी के चिल्ड्रन पार्क में आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम की शुरुआत 22 दिसंबर से हो रहा है। यह 2 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम में राजधानी वासियों के लिए कई तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया जाना है। संस्थान के सदस्य संगम ने बातचीत के क्रम में बताया कि करीब 150 स्टॉल लगाए जाएंगे, साथ ही अपनी कला के प्रदर्शन के लिए इन्होंने सभी युवाओं को इसमें हिस्सा लेने की अपील भी की है। झारखंड के इतिहास में पहली बार एक महिला बनी प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष। झारखंड के 22 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष चुनी गई है। इनका नाम रंजिता हेमरम है। रविवार यानी कि 4 दिसंबर 2022 को राजधानी रांची के मोराबादी स्थित रांची कॉलेज के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा सह निर्वाचन प्रक्रिया में सर्वसम्मति से रंजिता को अध्यक्ष चुन लिया गया है। इधर जो है राहुल कुमार को महासचिव चुना गया है। इधर अध्यक्ष चुने जाने के बाद रंजिता हेमरम ने कहा कि वह संघ को सशक्त बनाएगी और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दूसरे राज्यों के समकक्ष सुविधा और सम्मान दिलाने का प्रयास करेगी। झारखंड में 25,996 शिक्षक नियुक्ति में फंसा अब EWS का पैच, जिला स्तर पर नहीं दिया आरक्षण। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति में EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का पेच फंस गया है। वर्तमान में झारखंड में राज्य स्तर के पदों पर ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तरीय पदों पर होनी है। ऐसे में नियुक्ति का विज्ञापन निकला तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी उससे वंचित हो सकते हैं। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने क्रामिक विभाग से आरक्षण रोस्टर पर मार्गदर्शन मांगा है। झारखंड के अधिकारी अब जोहार के साथ करें अभिवादन, सीएम हेमंत सोरेन ने की अपील।
झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के आम सभा में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी पदाधिकारियों से जोहार के साथ अभिवादन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा कहने से आप सभी पदाधिकारियों को लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की भी बात कही। कहा कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। आप सबको बता दूं कि रांची कॉलेज परिसर स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित आम सभा में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि जब तक प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं होती तब तक कोई राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने में तथा गांव-गांव शहर शहर में लोगों को योजनाओं से जोड़ने में राज्य सेवा कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपना कार्य करें, आपकी मांगों पर सरकार काम कर रही है। झारखंड के 65 लाख गरीब परिवारों को कब से मिलेगी दाल? खाद्य आपूर्ति विभाग की क्या है तैयारी? आइए जान लेते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की बजट घोषणा के 9 माह बाद गरीब परिवारों को जनवरी से दाल मिलेगी। इस योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 65 लाख से अधिक गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने दाल खरीद को लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दिसंबर माह में प्रक्रिया पूरी करने के बाद दाल का आवंटन किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि निविदा खोलने की तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद कार्यादेश का आवंटन होगा। आप सबको बता दूं कि झारखंड के 65 लाख गरीब परिवारों को जनवरी से दाल मिलेगी। सरकार की ओर से चालू वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 में योजना से जुड़े परिवारों को अनुदानित दर पर 1 किलोग्राम दाल प्रतिमाह उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इसको लेकर 490 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव है। बजट घोषणा के बाद अगस्त माह में इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विभाग की ओर से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के तहत टेंडर डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया पूरी की गई। अब सरकार की ओर से चना दाल खरीद को लेकर निविदा निकाली गई है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर इंदौर की तर्ज पर शुरू होगा नाइट मार्केट, डिप्टी मेयर ने दिया प्रस्ताव। रांची शहर में एक बार फिर नाइट मार्केट लगेगा। इसे लेकर नगर आयुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में नगर विक्रय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में उप महापौर संजीव विजयवर्गीय शामिल हुए। बैठक में उप महापौर ने लालपुर डिस्टिलरी मार्केट के आवंटन प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए सुझाव दिया कि लालपुर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर 2 दिवसीय कैंप लगाकर सब्जी विक्रेताओं को जागरूक कर आवेदन प्राप्त किया जाए। उन्होंने मौके पर निगम की टीम को भी निर्देश दिया कि सभी एक समयबद्ध तथा योजनाबद्ध तरीके से वेंटर्स को व्यवस्थित करने का काम सुनिश्चित करेंगे ताकि सर्वे से लेकर आवंटन तक की प्रक्रिया सुचारू रूप से किया जा सके। अवैध खनन करने के आरोप में पंकज मिश्रा समेत 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। पंकज मिश्रा समेत 7 लोगों के खिलाफ साहिबगंज के SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विजय हजदा ने नींबू पहाड़ पर गैर कानूनी तरीके से बिना कोई लीज पट्टा के अवैध खनन करने का आरोप लगाया है। इस मामले में विजय हजदा ने अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम धीरज कुमार की अदालत में 30 जून 2022 को परिवाद दर्ज कराया था। उक्त परिवाद में लगाए गए गंभीर आरोप को देखते हुए न्यायालय ने धारा 1563 के तहत संबंधित थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के आलोक में SC/ST थाना प्रभारी ने मामले की जांच कर 1 दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कर ली। इस मामले में विष्णु यादव, पटवारी कुमार यादव, राजेश यादव, संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, सुवेल मंडल एवं पंकज मिश्रा के खिलाफ भादवी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय को सूचित कर दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कोर्ट ने धारा 161 के तहत सूचक विजय हजदा का दोबारा बयान दर्ज करने की अनुमति पुलिस को दी है। वर्तमान में सूचक विजय हजदा मंडल कारा साहिबगंज में बंद है। उससे भी पुलिस दोबारा पूछताछ करेगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मिली गढ़वा के रंका से अगवा नाबालिग लड़की, एक आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा जिला अंतर्गत रंका थाना क्षेत्र के पूरे गाड़ा गांव से अपहृत नाबालिग लड़की को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। अगवा लड़की की मां के शिकायत पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया।
आप सबको बता दूं तो कि इस संबंध में थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय ने बताया कि गत 26 नवंबर 2022 को पूरे गाड़ा गांव से एक नाबालिग लड़की को उसके घर से ही एक युवक ने अपहरण कर लिया था। नाबालिग की मां ने 27 नवंबर को थाना में आवेदन देकर मानपुर निवासी एक युवा के खिलाफ नाबालिग लड़की को घर से भगा ले जाने का प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके आलोक में गरवा एसपी के निर्देश पर एक टीम गठित कर नाबालिग लड़की की बरामदगी को लेकर लगातार छापामारी अभियान शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी नाबालिग लड़की को लेकर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रह रहा था। मोबाइल लोकेशन से उसके संभावित ठिकानों पर छापामारी कर नाबालिग लड़की सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं नाबालिग लड़की को मेडिकल जाँच के लिए गढ़वा भेज दिया गया है। बीआईटी मिश्रा में 1532 छात्रों को मिली डिग्री। राज्यपाल बोले, स्टूडेंट बन सकते हैं जॉब क्रिएटर। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 32वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जहां यूजी पीजी और पीआईटी के 1532 स्टूडेंट को डिग्री दी गई। इसमें सत्र 2018 से 2022 में शामिल यूजी पीजी और पीआईटी कोर्स के कुल 1532 विद्यार्थियों के बीच डिग्री बांटी गई। साथ ही 10 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल भी दिए गए। मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि आप सभी युवा व ऊर्जावान विद्यार्थियों के बीच सम्मिलित होकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सभी उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावक, मार्गदर्शन कराने वाले शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि आप अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखने की लालसा रखें। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने वाला व्यक्ति ही इस नए दौर की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि आपका बौद्धिक निर्माण एक ऐसे संस्थान में हुआ जिसकी स्मृति विरासत में रही है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह भी एक निर्वादित सत्य है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान के विद्यार्थी विश्व में कहीं भी हो, उन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में एक विशिष्ट पहचान स्थापित बनाई है। आप अपने ज्ञान और कौशल से देश और समाज के विकास में योगदान दें, जो आपने इस शिक्षण संस्थान से हासिल किया है। उन्होंने कहा कि बिरला प्रौद्योगिक संस्थान झारखंड राज्य का एक अग्रणी तकनीकी संस्थान है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में इसने विशिष्ट पहचान स्थापित की है। यहां से शिक्षा ग्रहण कर हमारे विद्यार्थी अपनी प्रतिभा से देश विदेश में सेवा प्रदान कर संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज समेत 9 जिलों के किसानों को प्राकृतिक खेती की मिलेगी ट्रेनिंग। झारखंड के साहिबगंज समेत 9 जिलों में जल्द ही किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी। किसानों को रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना छोड़ प्राकृतिक खेती करने के लिए हवा को लेकर जागरूक किया जाएगा। देश भर के 425 जिलों में प्राकृतिक खेती करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके बताए जाएंगे। आप सबको बता दूं कि केवीके के मुख्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमृत कुमार झा प्राकृतिक खेती के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने राज्य माता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर पहुंचे। रांची के रंगकर्मियों की आड़े हाउस में आपात बैठक, हेमंत सोरेन सरकार से की है मांग। झारखंड की राजधानी रांची के रंगकर्मियों ने शनिवार को आड़े हाउस में एक आपात बैठक की। बैठक में हेमंत सोरेन सरकार से मांग की गई कि आड़े हाउस को रंगकर्मियों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी कला यात्रा जारी रहे। बैठक में शामिल कलाकारों ने कहा कि शहर में कला भवन का नहीं होना और जो कुछ सभागार उपलब्ध है उनके किराए में भी वृद्धि चिंता का विषय है। कलाकारों ने रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार के किराए में भारी भरकम वृद्धि पर आक्रोश जताया। रंगकर्मियों ने बताया कि पूर्व में आर्यभट्ट सभागार कलाकारों को 55,000 रुपये के किराए पर उपलब्ध कराया जाता था, अब इसका किराया बढ़ाकर 2,21,000 रुपये कर दिया गया है। एक सभागार के किराए में इतनी भारी वृद्धि कलाकारों से मंच छीन लेना जैसा है। चंदवा में कोल माइंस के जीएम, इंजीनियर और सर्वेयर को ग्रामीणों ने बनाया 2 घंटे तक बंधक। चकला कोल माइंस के जीएम, इंजीनियर, सर्वेयर को चकला अरंडिया टाण पड़वा हरिया के ग्रामीणों ने 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। चंदवा पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा कराया गया। चकला कोल माइंस के जीएम राजीव कुमार, जियोलॉजिकल के सर्वेयर सचिन शर्मा और 2 इंजीनियर के साथ शनिवार को चकला गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि कोल माइंस के जीएम बिना ग्राम सभा की अनुमति के गांव में प्रवेश कर गए, जबकि पहले ही कहा गया है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के गाँव में प्रवेश करना वर्जित है। इस कारण लगभग 2 घंटे तक ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बनाए रखा। काफी जद्दोजहद के बाद चंदवा पुलिस के हस्तक्षेप पर लिखित समझौते के बाद उन्हें सकुशल रिहा कर चंदवा लाई। बंधक बनाए जाने पर चंदवा पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार किया है।
आप सबको बता दूं कि स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। उनका कहना था कि हम लोग जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर हम अपनी पुरखों की जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देने की बात करने वालों में बूटा पाहन, विकास भगत, सुरेंद्र उरांव, हरि कुमार भगत समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। कर्ज के विवाद में पति ने ही की थी पत्नी की हत्या, देसी पिस्टल, 3 कारतूस और 1 खोखा भी बरामद। लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र के चंदकोपा गांव में महिला की हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या की इस घटना को महिला के पति ने ही अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्या आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर 1 देसी पिस्टल, 3 गोली, 1 खोखा और 1 रिवाल्वर कवर भी बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पत्नी उज्ज्वला देवी की हत्या करने के आरोपित लोहरदगा जिले के बगडू थाना क्षेत्र के मरले गांव निवासी लक्ष्मी साहू के पुत्र प्रमोद प्रसाद साहू उर्फ बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद ने पूछताछ में पुलिस के समक्ष हत्या की इस घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पूछताछ में प्रमोद प्रसाद साहू ने पुलिस को बताया कि उसने बाजार से काफी कर्ज ले रखा था, जिसे लेकर वह काफी तनाव में था। इसे लेकर पत्नी के साथ काफी विवाद हो रहा था। इसी विवाद के चलते गुस्से में आकर उसने गोली मारकर पत्नी उज्ज्वला की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना के महज 12 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोपित प्रमोद प्रसाद साहू को रविवार को मीडिया के सामने पेश कर एसपी आर राम कुमार ने वारदात के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।